रावण का धन्यवाद हो गए मेरे अजीजो भाई बहनों, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। असी अज फिर खुदा दे बड़े शुक्रगुजार हाँ, धन्यवादी हाँ कि उसने अज नवा दिन फिर सानू दे दिता है। ये 27 नवंबर 2020 है और फिर खुदा ने सानू रात भर संभाल के रखिया और साड़ी मदद की थी और वधिया सुबह सवेर सानू उसने दिती है और इहदे लई असीं प्रभु दे बड़े शुक्रगुजार हाँ, धन्नवादी हाँ कि अज तक उसने सानू जूंदे रखिया है। अजीजो अज तुहाडे सामने एक लिखत लैके आ रहा हाँ और ये लिखत है लूका दी अंजील और उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत मैं तुहाडे सामने पढ़नी चाहुंदा हाँ। तो लिखत कहती है, पर ये दृष्टांत यूं है कि बी परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है और जदों प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा सी एक बी बीजन वाले का, तो ये बीजन वाला कोई होर नहीं गा, कोई मनुख नहीं है, पर ये बी बीजन वाला यहोवा परमेश्वर है। और जब वो दे विच आया और उसने इस बीज नू बीजा, पर इस बीज का जिक्र जेड़ा है वो सानू पिछे उत्पत्ति की किताब के अंदर मिलता है, जिथे अपनी अपनी जिनस के अनुसार बीज उगाए गए। बीजा नू हुक्म होया भी वह धरती दे उत्ते उग पैण, क्योंकि वह बीज धरती दे अंदर परमेश्वर दे मूह दे द्वारा बीजे गए। बीज प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे, परमेश्वर दा वचन बीज। आ साडा इह छोटा जिहा संदेश है और जदों तुसीं इस नूं पढ़ रहे हो ते प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। अजीजो खुदावन किरपा देंदा है और वह बड़ा मुबारक खुदा है, वह बहुत मुबारक खुदा है जो साडा महान प्रभु है। इस करके असी वेखते हाँ लिखत कहती है उसके चेलिया ने उसनू पुछया इस दृष्टांत का की अर्थ है और उसने कहा परमेश्वर के राज के भेतां की समझ तुहानू दिती गई है पर होरना नू दृष्टांतां विच तां जो ओ वेखदे हुए ना वेखण अते सुनदे हुए ना सुन। पर ए दृष्टांत यूं है कि बी परमेश्वर दा वचन है, बीज परमेश्वर दा वचन है ते प्रभु ढेर सारी बरक दवे। अज मैं तुहानू बीजां वल लैके जा रहा हाँ और तुसी अपनी अपनी बाइबल दे अंदरों इन्हां नू जरूर वेखो, खुदा तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। और असी अपने यहोवा परमेश्वर नू बीज बीज दिया वेखदे हाँ। बीज जो कादे नाल बीजदा है वो इस तरह नहीं बीजदा जिस तरह
एक किसान खेती विच बीज बीजदा है, असल च यहोवा परमेश्वर अपने मूंह नाल बीज बीजदा है, वो अपने मूंह तो बीजदा है, क्योंकि जो कुछ कहिंदा है ओही हो जांदा है। आओ असी उत्पत्ति दी किताब वल जावांगे और असी उत्थे पढ़ना शुरू करांगे। बहुत अच्छा है अगर कोई उत्पत्ति दी किताब तो शुरू करे और उसनों पता लग जाए भाई बाइबल जिहड़ी है एक किड्डा वड्डा खजाना है जिहड़ा मनुख दे लई परमेश्वर ने अपने मनुख दे लई परमेश्वर ने मनुख अगे रख दिता है। मेरे अजीजो इत्थे लिखत कहिंदी है, मैं उत्पत्ति एक दी 11 तो शुरू करांगा और लिखा है, फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती का नाले बी वाला साग पत अते फलदार बिरश उगावे। फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती का नाले बी वाला साग पत उगावे अते फलदार बिरश जेडे आपो अपनी जिनस के अनुसार बी वाला फल धरती उत्ते देन, अते उवें ही हो गया। परमेश्वर इस तरह नहीं छट्टा देंदा, असल वेचो मूह दे नाल बीजदा है, जो कुछ कहिंदा है वह उवें ही हो जाता है। आओ असीं 12वीं आयत वल जा रहे हाँ, लिखा है सो धरती ने का ते बी बीज वाला साग पत ओदी जिनस के अनुसार ते फलदार बिरस जिन्ना दे विच आपो अपनी जिनस के अनुसार बी है उगाया अते परमेश्वर ने दिता भाई चंगा है। सो सांझ ते सवेर ए तीजा दिन होया, ए तीसरा दिन होया। हुण तुसी देखते हो कि जे जेड़ा भी तुसी फल खांदे हो उहदा बीज उहदे विच हुंदा है। कुछ बीज तुसी खा सकते हो, कुछ बीज तुसी नहीं खा सकते। अमरूद है उहदा बीज भी तुसी खा सकते हो, बीज सने खादा जा सकता है, पर अंब नू बीज सने तुसी खा नहीं सकते। खुदा ने जदो कह दिता ते हर फलदार बिरस के अंदर जेड़ा उग्या उहदा बीज उहदे अंदर बन गया, जेड़ा धरती दे उत्ते याद रखो हजारा हजारा साल तक चलना सी। खुदा माफ करे, ए खुदा दा वचन बीज है, ए बीज है जेड़ा उसने दिता है। और असी इसनु पढ़ते हाँ और इसनु अपनी अखां नाल वेखते हाँ, पढ़ते हाँ, और जेड़े नहीं पढ़ सकते ओ इसनु सुनते हैं। तो मेरे अजीजो जदो नूह इस धरती दे उत्ते सी ते नूह खुदा दे वचन दा बीज सी, हालेलुया। इस करके असी देखते हाँ कि ओदे पुत्र ओदे वचन दा बीज हन। और इस तरह मैं कह सकता हाँ, मैं अपने आप तो नहीं कह सकता, मेरे हत्थां विच प्रभु ने वचन दिता होया है और
इस नूं प्यार करता हाँ और ये वचन मूल बीज है, जाने के मुढ़ला बीज जे किसे चीज का है ते ओ परमेश्वर का जूंदा वचन है। इस करके आओ मैं तुहानू दसना चाहुंदा हाँ कि जद नू इस धरती दे उत्ते सी ते नू अपनी मर्जी करन वाला मनुख नहीं सी, नू इस परमेश्वर दे वचन विच ना कुछ मिलाउण वाला सी ते ना कुछ इहदे विचों कटाउण वाला सी। अज बहुत सारे लोग जद इस तरह करते ने तो अपने लिए एक विविधता कट्ठी करते ने जिहड़ी उन्होंने भुगतनी पवेगी। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे, मैं तुहाडे सामने पढ़न लग्या हाँ और ये उत्पत्ति 6:5 है, 6:7 तो मैं शुरू करांगा। लिखत कहती है, तद यहोवा ने आख्या, तद यहोवा ने आख्या, मैं आदमी नू जिन्नू मैं उत्पत्त कीता, हाँ आदमी नू डंगर नू किसरन वाले नू और आकाश दे पंछी नू भी जमीन के उत्तों मिटा देंगा, क्यों जो मैनू उन्हां दे बनाउण तो रंज होया है। पर नू ते यहोवा दी कृपा सी, खुदा करे ओदी कृपा तुहाडे नाल बनी रहे और तुसी परमेश्वर दे विरोध विच कुछ भी ना कर सको, इहदे लई प्रभु तुहानू कृपा देवे। मेरे जी जो खुदा दुखी सी उन्हां नूं दे दिनां दे अंदर जद लोग अपनी अपनी मर्जी कर रहे सन, जद लोग अपनी अपनी मर्जी कर रहे सन, खुदा उन्हां दी अपनी मर्जी तो दुखी सी और उसने कहा मैं इन्हां सारिआं नूं मिटा देवांगा। और लिखिया है, मैं तुहाडे सामने उसकी 13 आयत रखन जा रहा हाँ, सो परमेश्वर ने नूह नूं आख्या कि सरबत शरीरां दा अंत काल मेरे सामने इसलिए आ गया है कि धरती उन्हां दे कारण जुल्म दे नाल भर गई है, वेख मैं उन्हां नूं धरती दे संग नाश करांगा। पर तू लिखिया, पर तू अपने लिए एक किश्ती गोफर दी लकड़ी तो बनावे। खुदा अपने इस बीस नू जाने के अपने वचन जेड़ा उसने नूह दे अंदर रख दिता होया सी, इस बीस नू ओ प्यार करदा सी। अपने दिनां दे अंदर नू खुदा दे वचन दी अधीनगी दे अंदर सी, अपनी जिंदगी दे दिनां दे अंदर नू अपने परमेश्वर यहोवा दे अधीन सी और वो अपनी मर्जी नहीं सी करदा। इसे करके उसने लिखत दिती है उत्पत 6:8, पर नूह ते यहोवा दी कृपा दी निगाह हुई। काश मेरे अजीजो अज असी वचन दे पिछे होइए और धरती दे संग नाश होण वालियां विच ना गिने जाइए, बल्कि असी प्रभु दी इच्छा नूं पूरा कर सकीए, जिवें नूह ने अपने दिनां दे अंदर अपने यहोवा परमेश्वर दी
इच्छा नूं पूरे कीता। तो मैं दसना चाहुंदा हां कि नूह दे दिनां दा जिहड़ा संदेश सी ओह नूह दे कोल नूह नूं खुदा ने दिता सी, पर जिहड़ा मूसा दे दिनां दा संदेश सी ओह मूसा नूं दिता गया। मूसा दे दिनां विच नूह दा संदेश जिहड़ा है ओह काम नहीं सी कर सकदा। आओ छेती छेती असी कूच दी किताब वल चलते हाँ, और कूच दी किताब उसका तीसरा अध्याय पढ़ते हाँ। बड़ी खुशी है सुबह सवेर कि खुदा ने जिथे नूह नाल गल की है उसने सैकड़े हजारा साल बाद फिर मूसा दे नाल गल की है। और लिखित कहती है मूसा अपने सहुरे जित्रो मदयानी पुजारी दे इज्जड़ नूं चारदा सी। उसने इज्जड़ नूं उजाड़ दे पिछली वल हक दिता अते ओ परमेश्वर दे पहाड़ होरेब कोल आया। तां यहोवा दे दूत ने एक झाड़ी विचो अग दी लाट विच उसनू दर्शन दिता। तां उसने दिठा तां वेखो ओ झाड़ी बल रही सी पर पसम नहीं सी हुंदी। यहोवा दा दूत यहोवा प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। झाड़ी बल रही है, झाड़ी मूसा दियां अखां दे सामने बल रही है पर वह पसम नहीं हो रही, वह खत्म नहीं हो रही, सड़ के सवाह नहीं हो रही। वह झाड़ी उस तरह हरी है पर अग ओदे अंदर बल रही है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। मेरे अजीजो जून एक जून की पहली तरीक 2012 मैं दोपहर के वेले इस होरेब के पहाड़ के सामने कोई 1:30 बजे खड़ा सी और मैं उस झाड़ी नू वेख रहा सी। ओ झाड़ी अज भी हरी भरी है, अज भी वह झाड़ी हरी भरी है और मैं कमेंट्री कर रहा सी कि हे यहोवा तू इस झाड़ी विच आया और ये झाड़ी अग नाल अग इस झाड़ी विच दिसदी सी पर तू इनू भस्म नहीं होन दिता। 3500 साल हो गए ने तू अज भी इस झाड़ी नू हरे परे रखा रख्या हुआ। काश साड़ियां जिंदगियां दे अंदर यहोवा परमेश्वर का वचन आ जावे और असी उसनू कबूल कर लईए और असी उसनू अपने हिरदे तो प्यार करना शुरू करिए। तो याद रखो सानू भी खुदा सदा का जीवन दे दी शक्ति रखता है। इस करके असी वेखते हाँ कि मूसा के दिनों के अंदर नूह का पैगाम नहीं सी। नूह का पैगाम नूह के दिनों के अंदर सी। नूह के दिनों च परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने नूह के अंदर रखिया होया सी क्योंकि उदा वचन मूल बीज है और उस वचन के कारण नूह बच गया। और असी देखते हाँ हुण उसका वचन वो अपना वचन मूसा के अंदर रखना चाहता ताजो मूसा धरती के उत्ते रह के अपने यहोवा परमेश्वर के बारे में लोगों नाल गल्लां करे जिहड़ियां
यहोवा ने उहदे मूंह विच पा दित्तियां हन। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। अजी जो असी देखते हाँ कि उहदे तो बाद असी प्रभु दे वचन नूं पढ़ते हाँ और यशायाह 11 की पहली आयत पढ़ांगे। बड़ी खुशी है कि असी यशायाह की किताब नूं खोल रहे हाँ और उस दे 11 अध्याय की असी पहली तो 5 तक पढ़ना शुरू कर रहे हाँ। जस्सी दे टुंड तो एक लगर निकलेगी, ओदियां जड़ां विचों एक टहना फल देवेगा, यहोवा दा आत्मा उस उत्ते ठहरेगा और बुद्ध ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दे ज्ञान दा आत्मा, अते यहोवा दे पै विच ओ मगन रहेगा, अते यहोवा दे पै विच ओ मगन रहेगा, ओ ना अपनियां अखां दे वेखणां नूं सार न्यों करेगा और ना अपने कन्नां दे सुणन अनुसार फैसला करेगा, पर ओ धर्म नाल गरीबां दा न्याय करेगा अते रास्ती नाल धरती दे मसकीनां दा फैसला करेगा। असी देखते हां धरती दे जज जिहड़े ने ओ लिखतां पढ़ के फैसला करदे ने और ओ लिखतां पढ़दे ने जिहड़ियां पुलिस ने लिखियां हुंदियां ने एक दोषी दे हक विच, और पुलिस लिखदी है, जज पढ़दा है और फिर जज फैसला देंदा है। पर जिहड़ा साडा जज है साडा खुदावंद यीशु मसीह, लिखत कहिंदी है कि ओ कन्ना दे सुन अनुसार फैसला ना करेगा, पर ओ धर्म नाल गरीबां दा न्याय करेगा। गरीबां नूं हमेशा बाइबल ने बयान कीता है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। तो असी वेखदे आं लिखिया है पर वो धर्म नाल गरीबां दा न्याय करेगा अते रास्ती नाल धरती दे मसकीनां दा फैसला देवेगा। वो धरती नूं अपने मूंह दे डंडे नाल मारेगा अते अपने बुलां दे साह नाल दुष्टां नूं जानों मका देवेगा। धर्म उहदी कमर दा पटका होवेगा अते वफादारी उहदे लक दी पेटी होवेगी। ए है साडा यहोवा परमेश्वर जिसने देह दे विच आके ये सारे काम करने हन काम करने सन। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। हुण ये वचन यहोवा दा वचन बीच है और जद प्रभु यीशु मसीह इस धरती दे उत्ते इस बीज नूं बीज रहा सी और ये बीज कुछ पै विच बीज दिया होया डिग गया, कुछ पत्थरेली जमीन च डिग गया, कुछ झाड़ियां विच डिग गया, कुछ अच्छी जमीन विच डिग गया जिथे ये बीज 100 गुणा 60 गुणा 30 गुणा फल लैके आया। काश मेरे अजीजो तुहाडी जिंदगी विच ए यहोवा दा वचन जो मूल बीज है जिन्हों तुसां अपने हिरदे विच रख्या है और इस वचन की आज्ञाकारी अनुसार चलते रहिए
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੀਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੂਲ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮ ਕਰਦੀ ਤੂੰ। ਆ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।